हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच ऑल इन वन और मैं हूँ हर्षा। आज मैं आप सभी के साथ एक रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि एक वंडर शेफ़ का रिव्यू वीडियो है। मैं कुछ दिन से वंडर शेफ़ के ग्रेनाइट रेंज को यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। तो उस प्रोडक्ट को मैं एक महीने से यूज़ कर रही हूँ, हालांकि वो प्रोडक्ट मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला था। मैं इस वीडियो में ये शेयर करूँगी कि मेरा क्या रिव्यू है वंडर शेफ़ के ग्रेनाइट सेट को लेकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मुझे वंडर शेफ़ का ये सेट मिला था बर्थडे गिफ्ट में और ये बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स फॉर अ वंडरफुल एंड यूज़फुल प्रेजेंट, थैंक यू सो मच। सो मूव टू द टॉपिक, वंडर शेफ़ का ये जो ग्रेनाइट का सेट है, इसके साथ आती है 26 सेंटीमीटर की एक वोक जो कि 2.7 लीटर है, एक फ्राइंग पैन जो 26 सेंटीमीटर का है मतलब कि 2 लीटर, एक डोसा तवा जो कि 26 सेंटीमीटर का है। इन तीन पैन के साथ एक ग्लास की लिड आती है जो कंपनी की तरफ से ही होती है। तो लिड का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि वोक पे और फ्राइंग पैन वो दोनों पे यूज़ आ जाती है। समटाइम्स आप उसे जैसे कोई पैनकेक या कुछ बना रहे हो तो तवा भी कवर कर सकते हैं, बस उसका थोड़ा सा आउटर एरिया बाहर होता है, लेकिन आप उसको तवे पे भी यूज़ आ जाती है। तो ये ग्लास लिड तीनों पे वर्क करती है। यदि आपको सेंटीमीटर्स या लीटर से ऐसे अंदाज़ा नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए एक पिक शेयर कर देती हूँ। तो इस पिक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसे हम गैस पे रखते हैं तो ये कितनी बड़ी होती है। लाइक मेरे साथ ये अक्सर हुआ था कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे जब मैं परचेस करने जाती थी तो मुझे लीटर्स और इसमें समझ में नहीं आता था। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का डाउट रहता है कि कितना बड़ा रहेगा और कैसा रहेगा, तो मैं ये पिक्चर शेयर कर देती हूँ आपके साथ, तो आप देख सकते हैं इसको। ये गैस पे कन्वीनियंटली आ जाता है। यदि आपका 4 बर्नर गैस टॉप है तब भी ये चारों में वर्क करेगा। मेरे को फास्ट कुकिंग की थोड़ी सी आदत है तो मैं अक्सर दो चीज़ें यूज़ में आ जाती हैं, एक तरफ तवा भी रखा होता है, एक तरफ फ्राइंग पैन और कढ़ाई, तो वो बहुत अच्छे से आ जाता है। पिक से आपको अंदाज़ा आ रहा होगा, मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ आपको इसका साइज़ और लेंथ क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इसकी कोटिंग की। तो कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि ये 5 लेयर कोटिंग है, बहुत अच्छी इसकी कोटिंग है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसकी कोटिंग से और मैंने 1 मंथ इसको यूज़ कर लिया है। आफ्टर यूजिंग मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ तो ये बहुत अच्छा लगा मुझको। नॉन स्टिक एकदम प्रॉपर वे में वर्क करता है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता और 0 ऑयल कुकिंग होती है, मतलब मेरे नॉन स्टिक पैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे वंडर शेफ़ से। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 2 ईयर्स वारंटी आती है इसके साथ। मैटाटर्फ है, हेल्दी नॉन स्टिक है, ये सारी चीज़ें इसके बॉक्स पर मैंशन आती हैं। मैंने कुकिंग किया तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता, 0 ऑयल कुकिंग होती है। मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। मैंने दूसरे भी नॉनस्टिक यूज़ किए हैं पर ग्रेनाइट रेंज बहुत अच्छी है नॉनस्टिक में, मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। मैं नॉनस्टिक वैसे बहुत ज़्यादा समय से यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी नॉनस्टिक यूज़ करते हैं एक टाइम बाद वो ख़राब होने लगता है, लेकिन यदि आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, मतलब थोड़ा अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, जैसे उसके साथ स्पैचुला अलग आते हैं तो आप उसका यूज़ कीजिए, वुडन स्पैचुला यूज़ कीजिए। आप उसमें आपको स्टील स्पैचुला यूज़ मत करिए, वुडन स्पैचुला यूज़ करिए। आप उसको थोड़ा वॉशिंग के टाइम पे थोड़ा केयर से हैंडल करेंगे ना तो वो अच्छा जाएगा और लंबे समय तक चलेगा। बहुत दिनों से मैं नॉनस्टिक यूज़ कर रही हूँ और मेरे सारे नॉनस्टिक बहुत अच्छे चले हैं। मैंने प्रेस्टीज का यूज़ किया है, मैंने वंडर शेफ़ का यूज़ किया है और भी बहुत सारी कंपनी है, मतलब मैंने किए हैं तो सब अच्छे गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ग्रेनाइट मेरे को बहुत पसंद आया, ये अच्छा है, मतलब आप परचेस कर सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये था मेरा आज का वंडर शेफ़ को लेके एक रिव्यू वीडियो। हो वंडर शेफ़ ग्रेनाइट सेट को लेके आपके कोई क्यूरी या डाउट्स हों तो वो क्लियर हो चुके हों। यदि आपको फिर भी ऐसा कुछ लगता है, यदि और कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यदि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर।